मंत्री रमापति शास्त्री से हमारे संवाददाता ने खास बात की, हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के निधन के बाद से आज उनके आवास पर तमाम मंत्रियों का आना जाना, उन्हें श्रद्धांजलि जारी। हमें खास बात करने की, हमारे साथ मौजूद हैं रमापति शास्त्री जी, समाज कल्याण मंत्री हैं। आज हमसे जानते हैं क्या कुछ है सर, आज क्या कहते हैं कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है, उसको लेकर क्या कुछ दुख का माहौल है, क्या कुछ बाकी है। कल्याण सिंह के जमाने में मैं उनके साथ मिनिस्टर था, निर्णय लेने में जो उन्होंने संकल्प करके आया था कि राम जन्म भूमि की सरकार के लिए हम सारा प्रशस्त रास्ता साफ करेंगे, उसने उन्होंने जो कहा वो किया। मुझे याद है जब वो राम जन्म भूमि के और विवादित ढांचे का वो गिर रहा था, तो प्रधानमंत्री ने उनको टेलीफोन किया कि वो गिर रहा है, उनका मैं जानता हूँ गिर रहा है, शक्ति का प्रयोग के लिए उन्होंने कहा मैं राम पार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चलाऊँगा, जिसके लिए मुझे जो भी सजा भुगतना पड़े होगा। और गिर जाने के बाद में उन्होंने नैतिकता के आधार पर राज्यपाल को जा करके उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, वहाँ मेरे मंत्रिमंडल त्यागपत्र देते हैं, क्योंकि हम राम भक्तों पर गोली चला नहीं सकते और वो गोली चला नहीं सके और तो इसलिए वो ढांचा बचा नहीं सके, तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सर, कार सेवकों पर गोली चलने के बाद से बताया जाता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसको लेकर आप क्या नहीं कार कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, उन्होंने कहा कतई किसी कीमत पर गोली नहीं चलाऊंगा, किसी भी कार सेवकों पर किसी भी राम भक्तों पर गोली नहीं चलने दूंगा, मुझे त्यागपत्र देना पड़ेगा, वो सजा मुझे भोगना पड़ेगा, मैं भोगूंगा, मुझे किसी कार सेवक के ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा। एक बात और से जानना चाहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी क्षति है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी में, कैसी क्षति का क्या रूप इसका आ गया? अब जो क्षति हो जाती है उस क्षति की प्रतिपूर्ति करना तो प्रकृति के काम है। अब प्रकृति से प्रार्थना है कि इस प्रकार से क्षति को पूरा करने के लिए उन्हीं का आत्मा किसी न किसी रूप में हम लोग मार रहा है, तो हम लोग मार्गदर्शन बहुत अच्छा। तो ये थे हमारे साथ रमापति शास्त्री जी, उन्होंने बताया कि कल्याण सिंह एक कद्दावर नेता थे जो जिन्होंने कभी भी गलत के साथ नहीं दिया, और आने वाले वक्त में इस तरह के नेता हों और जिससे देश की और प्रदेश की प्रगति हो, तो ये आगे देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ अभिषेक मधुपाठी, के न्यूज़, लखनऊ। और सीधे इस वक्त आपको कल्याण